क्योंकि देखिए किसी का आगे पीछे एक हफ्ता कर देंगे तो चलेगा, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, अब दो साल के बाद आएंगे इसलिए बनी है। इसमें कितना खर्चा है समीर भाई? इस गाड़ी में लगभग इन्हीं की गाड़ी का पूरा सामान लगा हुआ है जी। सिर्फ 45,000 में पूरी रेडी हुई है, जितना भी लोकल पार्ट था सब हटा दिया है, जर्नल खोल के पूरे नट बोल्ट पूरे बेरिंग पूरा रिस्टोरेशन, पूरा टंकी पैनल कलर इंडिकेटर मीटर हॉर्न सीट टोटल ऑल नया है गाड़ी में, वो जो इनकी ओरिजिनल पार्ट्स का वो यूज किया हुआ है। खड़ा हुआ हूँ भोपाल रेस्टोरेशन के सामने और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ RX 100 की। भाई देखो तो ढेर लगा हुआ है, चार गाड़ियाँ इन्हें तैयार करी है, उन गाड़ियों में क्या क्या डिटेल्स है, क्या प्राइसिंग है, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाली RX से। दोस्तों ये अपनी RX 100 है, कलर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स लगाए, इंडिकेटर यहाँ पे देखिए एकदम ओरिजिनल यूनो मिंडा के, यहाँ पे यामा का लोगो और ये कुछ ऐसे आगे से पूरा हिसाब किताब है। फ्रंट में इसके जो स्पोक व्हील्स है ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। उसके बाद इसके जो टायर्स है ना भाई, नॉबी वाले टायर डाले हुए हैं रालको के और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक भी इन्हें लगाया हुआ है तो ये ब्रेकिंग आपकी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसके बाद आप देखिए जो इसका टैंक पे जो कलर है ना भाई, ये देखिए काफ़ी अलग ही टेक्सचर में, मतलब ब्लैक कलर है और इस पर थोड़ा सा भी धूल हो रहा है तो आप देखेंगे तो थोड़ा ये देखिए तो इस कुछ इस टाइप कलर है। यहाँ पे यामा का लोगो और लेजेंड कुछ है, इन्हें अपनी अलग ग्राफिक्स आ रही है, भोपाल रेस्टोरेशन का यहाँ पे लोगो वगैरह डाला हुआ है। और ये दोस्तों है इसका इंजन 100cc का और इस इंजन में भाई देखेंगे तो आप इसका जो हेड ब्लॉक है ये और ये इंजन कवर और जो दूसरी साइड में अपना ये वाला, तो ये पूरा जो है क्रोम में किया हुआ है। अब कलर के साथ आप मैच करेंगे ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा क्लासिक और अल्टीमेट लग रही है। यहाँ पे इंजन कवर डाला हुआ है, ये पूरा मतलब एक तरीके से गाड़ी को पूरा नया का नया पूरा इसको जीवन दिया है भाई, पूरा रिस्टोर किया। और ये कुछ इसका देखिए सीट भी इसमें एकदम ओरिजिनल नई लगी हुई है। यहाँ पे पीछे वाला टायर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई, चलाएंगे तो ऑफ रोड में और ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पोक व्हील्स का जिसका मैं कह रहा था, यहाँ पे सेंटर में भी क्रोम किया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका साइलेंसर आप देखिए एकदम ब्रांड न्यू साइलेंसर लगाया हुआ है। और ये कुछ इसका पीछे से लुक है, पीछे आप देखेंगे तो ये कुछ इसकी लाइट है, लाइट भी देखिए तो एकदम ओरिजिनल लगाई हुई मिंडा कंपनी की। तो ये हो गई पहली RX। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट RX के ऊपर। ये आपने देख लिया अच्छे से, अब इसको देखिए इसमें भी सेम वही LED हेडलैम्प लगा, लेकिन इसका जो LED हेडलैम्प है ये अलग है, अलग डिज़ाइन है इसका। इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए दो प्रोजेक्टर दिए छोटे, यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो इसका जो इसका फ्रंट जो हेडलैम्प है वो थोड़ा अलग ही है। ये देखिए ये इसके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का डिज़ाइन इसका अलग है, इसमें ये वाले नहीं डाले जो इसमें आते थे। इधर आप देखिए तो ये इसमें प्लास्टिक वाला मटेरियल डाला है, वहाँ पे क्रोम वाला था और ये पूरा नीचे तक कवर होता है। इस गाड़ी में अलॉय व्हील डाला है, डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें, इसमें ड्रम ब्रेक ही रखा गया है। ये देखिए क्रोम में। साइड की तरफ चलते हैं, साइड में आप देखिए तो इसका जो इंजन कवर है इसको मैट ब्लैक किया है, उसके साथ साथ क्रोम का भी ट्रीटमेंट दिया है, मतलब हेड ब्लॉक पे और ये इंजन कवर पे, यहाँ पे भी इंजन काउल ऐड किया हुआ है। उसके साथ साथ ये इसका देखिए RX, ये RX 135 है और ये पूरा देखिए इसका ग्राफिक्स वगैरह, इसमें भी सेम वही ग्राफिक्स आ रही है जो आप लेजेंड वगैरह लिखो, लेकिन इसके जो कलर जो इसका कलर है पेंट्स के में वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए आप पीछे इसकी सीट देखिए डबल उसमें दी हुई है, डबल हम अपना है, इसकी सिंगल में दिया हुआ था। ये होगा इसका पीछे वाला टायर और ये देखिए इसकी रियर टेल लैम्प और ऐसा कुछ भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा ओरिजिनल रखा हुआ और इसका भी सेम वही ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा हुआ था। इसके बाद चलते हैं इस गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें चैम्बर एग्जॉस्ट लगा है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसका जो हेडलैम्प है ये दोनों ही गाड़ियों से अलग था, इसका काफ़ी ज़्यादा अलग है। और उसके साथ साथ इंडिकेटर देखें तो इसमें वही सेम मिंडा वाले इंडिकेटर डाले, यामा का लोगो इधर पे और ये कुछ ऐसा इसका फ्रंट मडगार्ड है। इधर आप देखिए तो ये इसके कुछ अलॉय व्हील है, दोनों अलॉय व्हील इसके दोनों गाड़ियों के सेम है। ड्रम वेरियंट है, मतलब ड्रम इसमें डिस्क ब्रेक नहीं लगाया, कुछ ऐसा मीटर है यहाँ पे, RPM मीटर भी यूज़ किया हुआ है, लगाया हुआ है। उसके साथ साथ ये थ्रॉटल जो है ये भी है, मतलब इसमें अलग से अटैच किया हुआ है। इस गाड़ी का मैं सोच रहा हूँ अलग एक अलग से ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। यहाँ पे सेम वही कलर है जो कि सबसे पहले वाली गाड़ी पे था। और इधर आप देखिए ये इसका दोस्तों चैम्बर एग्जॉस्ट, भाई इसकी जो आवाज़ आएगी ना वो काफ़ी ज़बरदस्त आने वाली है। इंजन की बात करें तो ये अपनी है RX 100 देखिए, और इसके साथ इसका इसमें भी सेम वही मैट जो ब्लैक कलर था ना वही डाला हुआ है क्रोम के साथ। ये रियर से देखिए आप पीछे से और ये कुछ इस टाइप से पूरा व्यू, यहाँ पे चेन कवर लगाया हुआ है। आप सबसे लास्ट वाली RX, ये वाली गाड़ी है ना जो RX 100, ये भाई काफ़ी ज़्यादा भाई अल्टीमेट लग रही है, वो क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट से देखिए सेम वही हेडलैम्प, मतलब LED वाला हेडलैम्प है, उसके साथ साथ इंडिकेटर यहाँ पे वो मिंडा के इंस्टॉल किया यामा का लोगो। और इस गाड़ी में जो भाई इसका फ्रंट मडगार्ड है ये देखिए, ये काफ़ी शॉर्ट लगा है, मतलब एक थोड़ा सा अलग ही रेट्रो लुक इस गाड़ी में दिया हुआ है। यहाँ पे इसका शॉक कवर भी लगा है और ये रहा इसके दोस्तों स्पोक व्हील्स, तो स्पोक व्हील्स पे डिस्क ब्रेक और मेरे हिसाब से पल्सर 150 का डिस्क ब्रेक है,
ये आप देखिए, इसमें भी सेम वही रालको ग्रिप टायर डाला हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये इसका जो कलर है ना, ये मैट ब्लू जो आपने क्लासिक 350 में देखा होगा ना, एयरबॉर्न वाला कवर जो है इसमें कलर यूज़ किया है, ये मैट फिनिश में पूरा, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। उसके ऐसा जो ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना इसके इंजन और सारी चीज़ों का, वो भी अल्टीमेट लग रहा है। इसमें भी इंजन कवर डाला हुआ है और यहाँ पे RX 135 की बैजिंग। इसका जो रियर स्विंग आर्म है, इसमें देखिए अलग से थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है वेल्ड करके, जिससे कि थोड़ा सा और हैवी और बल्की लुक इस गाड़ी को मिले। सस्पेंशन देखिए, तो ये ड्यूल वाले सस्पेंशन दिए, पीछे से कुछ ऐसा लुक है, टेल लैंप ऐसी है। सीट कवर इसके कुछ ऐसे हैं, सीट का डिज़ाइन ऐसा है, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि कुछ इस टाइप का है। तो दोस्तों ये हो गई सारी चारों की चारों गाड़ियाँ। अब मैं आपको समीर भाई से मिलवाता हूँ, तो वो सारी जो है एक एक करके इस गाड़ियों की डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों जिनकी मैं बात कर रहा था वही है, हेलो समीर भाई। हाय। तो समीर भाई प्लीज़ फटाफट डिटेल्स बताइए जितनी भी RX आपने तैयार करी है इनके बारे में। एक्चुअली क्या है, हम लोग महीने में करीब करीब 20 से 22 गाड़ियाँ बना लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया जाती हैं हमारी बाइक, ऑल ओवर इंडिया से ही आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमने वेस्ट बंगाल की, जम्मू कश्मीर की, उसके बाद आपका आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र और राजस्थान, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई गाँव और शहर नहीं है जहाँ की गाड़ी हमने बनाई ना हो या हमारे पास बनने आई ना हो। और अभी करंट में जो चार बाइकों का आपको पूरा वीडियो मिल रहा है, जो रिव्यू मिल रहा है इस गाड़ियों का, इनमें पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि एक गाड़ी जा रही है उत्तराखंड, मतलब ये वाली उत्तराखंड जा रही है, उत्तराखंड है ये, संजय जैन है उनके लिए बनी है ये गाड़ी जी। और उनकी करीब करीब 8 महीने पहले की रिक्वायरमेंट थी, बीच में टाइम नहीं था, उनके पास भी बहुत टाइम था, तो आराम से ही बनी है गाड़ी। गाड़ी थी इस पर आपने टोटल मतलब कितना खर्चा हुआ इसको पूरा कंप्लीट होने में? बाइक के अंदर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टोटल लॉस बाइक जिसको कहते हैं ना, कि जो सालों से आपके घर के कबाड़े में पड़ी हुई है, बिल्कुल सड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है, उस कंडीशन में ये बाइक हमारे पास आई थी। और इस गाड़ी में टोटल 65,000 रुपये खर्चा हुए हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि इंजन के बेयरिंग, पूरा जर्नल इंजन, उसके बाद पूरे नट बोल्ट, उसके बाद पूरा टोटल जो गाड़ी के ऊपर आपने स्पेयर देखा है, ये टोटल ही नया है। मतलब आप ये मान सकते हो कि बीच वाले जो केसिन होते हैं ना, वो इंजन नंबर जहाँ पे लिखा होता है वो, और उसके बाद चेचिस, बस यही मिला था हमें। अच्छा। उसके बाद ये पूरी गाड़ी बनी है, इसलिए इतना ज़्यादा खर्चा होता है। गाड़ी तो बाकी अपने एकदम ज़बरदस्त बनाई है। आप यहाँ देखेंगे ये प्रीकोल का मीटर लगा हुआ है, 1800 रुपये का आता है। उसके बाद लॉक सेट ये जो है मिंडा का है, तो ये भी 1250 रुपये का आता है। ओरिजिनल LED लाइट लगी हुई गाड़ी में। डिस्क ब्रेक जो है हमने पल्सर के यूज़ करे, क्योंकि ग्लेडिएटर के अगर डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो रेयर होते हैं, मिलते नहीं हैं, तो पल्सर के लगाते हैं। इसका आसानी से सारा स्पेयर अवेलेबल है, इसीलिए लगाने की वजह। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो कलर निकाला हुआ है लेजेंड, ये हमने करीब करीब इसके 20 से 25 ऑप्शन लिए हैं। ये वाला जो बाइक है ये हमारे पास 20 दिन पहले बनने आया था भीलवाड़ा राजस्थान से, और पूरी फैमिली देने आई थी, जिनकी ये गाड़ी है विजय पंचाल जी हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, उनकी ये बाइक थी, पूरी फैमिली आई थी, उज्जैन भी घूमे थे और भोपाल भी आए थे, अपनी कार के ऊपर रख के लाए थे इस बाइक को। अच्छा। और पूरी बाइक 20 दिन में रेडी इसलिए करी है अर्जेंट में, कि उन्हें सऊदी अरब में वो जॉब करते हैं और उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो उनका कहना था कि कम से कम 2-4 दिन तो मैं अपनी बाइक को चला लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा 2-3 गाड़ियों का काम रोक के इनकी गाड़ी कर दी है। क्योंकि देखिए, किसी का आगे पीछे एक हफ्ता कर देंगे तो चलेगा, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, अब 2 साल के बाद आएंगे, इसलिए बनी है। इसमें कितना खर्चा है समीर भाई? इस गाड़ी में लगभग इन्हीं की गाड़ी का पूरा सामान लगा हुआ है, सिर्फ 45,000 में पूरी रेडी हुई है, जितना भी लोकल पार्ट्स था सब हटा दिया है, जर्नल खोल के पूरे नट बोल्ट, पूरे बेयरिंग, पूरा रिस्टोरेशन, पूरा टंकी पैनल, कलर, इंडिकेटर, मीटर, हॉर्न, सीट, टोटल ऑल नया है गाड़ी में, और जो इनकी ओरिजिनल पार्ट्स का वो यूज़ किया हुआ है। समीर भाई ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट थी, इसका साइलेंसर आपने? इस बाइक की मैं आपको एक स्टोरी है, ये यूपी से आई है, सूरत जी है उनकी गाड़ी है ये, और यूपी से जब ये बनने आई थी हमारे पास, तो उन्होंने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया था। अच्छा। और मॉडिफाई कैसे किया था मैं बताऊं, कि जैसे हर गांव में करते हैं लोग अपने तरीके से जी। कि गाड़ी का पूरा हिसाब, आगे का पूरा हिसाब किताब निकाल के और उसमें पल्सर का फंसा दिया, पीछे भी पल्सर का लगा दिया, उसके बाद चेचिस काट के आधा हिस्सा गायब कर दिया, तो गाड़ी बर्बाद कर दी लेने के बाद ये। तो यहाँ जब आई है तो हमने खाली इसका इंजन निकाला, और इंजन निकालने के बाद पूरा सामान कबाड़े में फेंक दिया, तो उसके बाद ये पूरी गाड़ी आपके सामने जो रिस्टोर हुई है, उसमें हर एक चीज़ पर रिक्वायरमेंट उनकी थी। उन्हें चेम्बर साइलेंसर चाहिए था, बन गया, उन्होंने बोला RPM चाहिए तो लग गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें मीटर के लिए अपना मोबाइल चार्जर चाहिए, वो भी हो गया, उसके बाद 3D ग्राफिक्स चाहिए, ब्लैक कोबरा, वो भी हो गया, उसके बाद इंजन तेज चाहिए था उन्हें,
तो अभी गाड़ी 120 पे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का सारा पार्ट क्वालिटी आप देख सकते हैं, जनरल स्टोर हुई है, एक भी सामान गाड़ी का यूज नहीं हुआ है। Okay, मतलब कुछ नए सिरे से। इसमें समीर भाई कितना खर्चा हुआ? 75 हुआ है, इसलिए कि इसके ऊपर एक पूरी गाड़ी खरीद के बर्बाद करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये तो खाली इंजन भेजा था जी। उसके बाद एक पूरी बाइक खरीदी सेकंड हैंड, वो पूरी इस गाड़ी के ऊपर रिस्टोर करके डाली है और बाकी का सारा सामान नया डाला है। तो जहाँ पे खर्चे नहीं होने थे वहाँ भी हुए हैं। और ये सबसे आखिरी गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। आखिरी गाड़ी ये है, हमारे अभिषेक जी हैं जबलपुर से, और ये भोपाल में यहाँ पे स्टूडेंट हैं, रहने वाले जबलपुर के। ये गाड़ी इन्होंने मेरे को करीब करीब 4 महीने पहले बनाने को दी थी। पूरी गाड़ी के अंदर कलर कैसा चाहिए, टायर कैसे चाहिए, स्पोक कैसे चाहिए, एलईडी हेडलाइट चाहिए या फिर जो भी कुछ चाहिए, यहाँ तक कि पूरा जो थीम था उन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से बताया था, उसी हिसाब से बनी है। इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी जितनी तेज़ आप चलाना चाहो चला सकते हो, क्योंकि इसका इंजन हमने पोर्ट किया है। मतलब आप इस गाड़ी को रेस में चला सकते हो। इसका नॉर्मल सामान हटाओ, इसको रेस के हिसाब से पूरा सेटअप करो, जितना भी टूट फूट का सामान है हटा दो, ऑफ रोडिंग में यूज़ करो, टायर यूज़ के उसी हिसाब से डले हुए जो आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने वैसे वीडियो में सब कवर कर दिया था, जो जो चीज़ें नई नई अपडेट की है। इसमें समीर भाई कितना खर्चा हुआ है ये वाली गाड़ी? गाड़ी के अंदर टोटल 55,000 रुपये खर्चा हुआ है। और इस गाड़ी की एक खासियत हो रही है, और सबको जानकारी एक दूंगा कि लोग सोचते हैं कि RX 100 बहुत अच्छी होती है या 135 बहुत अच्छी होती है। सिर्फ सोच का खेल है, सामान बोलता है गाड़ी। आप सामान अच्छा डालो, सामान बोलता है। 135 को RX 100 कर सकते हो, RX 100 को 5 स्पीड कर सकते हो, और 5 स्पीड को RX G कर सकते हो। ये सारा खेल उसके अंदर हो जाता है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि RX 100 का पूरा सामान सेम होता है, RX G का ब्लॉक सेटअप अलग होता है, 135 cc का मैग्नेट क्लच ये सब अलग होता है, 5 स्पीड का 40L10 होता है। तो ऐसे करके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। आप चाहो तो उसको मॉडिफिकेशन करके एक पूरा RPM पूरा चेक करके और उसके हिसाब से पूरा सामान डाल दो, तो ये गाड़ी 180 पे भी जा सकती है। सही बात है यार। ये सारी गाड़ियाँ थी, अब अपने ऑडियंस ये जानना चाहती है, जैसे कि अगर उनको रिस्टोर कराना है या फिर उनको परचेज भी करना है, तो अपने पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? देखिए, रिस्टोरेशन के लिए आप हमारे भोपाल रिस्टोरेशन इंस्टाग्राम पे आके चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, 5,000 से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर बायो में भी डले हुए हैं, इंस्टा पे भी डले। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा भाई। तो उसमें क्या है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हैं अपनी बाइक का फ़ोटो चारों तरफ के, उसके अलावा आपका सिटी का नाम और आपका नाम, और आप जो भी चाहते हैं वैसा एक फ़ोटो भेज दीजिए, जैसी आप चाहेंगे कॉपी कर दी जाएगी। आपकी कोई भी किसी भी ज़माने की गाड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, समीर भाई के पास लेके आई है और आपको मिल जाएगा। मतलब इवन अगर मैं आपको समीर भाई का पूरा स्टोर दिखाइए, पल्सर देख रहे हैं 2010 मॉडल है, और ये अभी लेटेस्ट वाले में कन्वर्ट कर दिया है समीर भाई ने, पूरा 2023 मॉडल अपन ने बना दिया। SDB खड़ी है, और ये देखिए एंटाइजर खड़ी है यामा के, गाजियाबाद से बनने के लिए आई है जी। तो इसकी अभी हेडलाइट का रिम हमने इसलिए निकाला है कि हमने इसका फ्रेम भेजा है साइज के लिए, ये LED लाइट लगाएंगे अपन इसमें। अच्छा। और उसके बाद SD के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि ये किक मारने में दिक्कत आती थी, इसको सेल्फ स्टार्ट भी करेंगे अपन। अच्छा। और ये पॉइंट वाला इंजन होता है, इसको अपन इलेक्ट्रिक भी करेंगे, और इसका मीटर भी अपन डिजिटल करेंगे। देखने में ओल्ड होगी लेकिन फैसिलिटी न्यू मॉडल की, जो आज के डेट में जितने फीचर्स आ रहे हैं सारे, जिस दिन कम्प्लीट होगी भाई इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। क्यों समीर भाई, कंप्लीट करके इसको अपन बिल्कुल बनाएंगे। और ये देखिए कितना सारा स्टॉक पड़ा है, ये भाई बुलेट है, पुरानी वाली बुलेट है ना, पुरानी 68 मॉडल है ये, 1968 की है, 68 मॉडल है ये, जम्मू कश्मीर से बनने आई थी, मजा नहीं आया, खड़ी कर दिए, दोबारा रिस्टोर करेंगे अब। ओके, ये देखिए RX का तो भाई ढेर लगा हुआ है, मतलब ये देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये तो सामने का स्टोर हो गया, इसके बाद जो ये वाला साइड में है, यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी RX वगैरह खड़ी है, स्कूटर्स खड़े हैं, ये यामा के एंटाइजर खड़ी है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिस भी तरीके का मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं हमें करा सकते हैं। तो भाई यही चारों गाड़ियाँ थी जो कि है पूरी कन्वर्ट हुई है, मतलब कि रिस्टोर हुई है, तो ये सारी गाड़ियाँ थी। अगर आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर आप बाय करना चाहते हो तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, बाकी सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।